ओपन सिक्योरिटी स्कोर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ के पासवर्ड को काली लिनक्स के थ्रू कैसे हैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लॉगिन स्क्रीन्स के बारे में बता देता हूं। जब भी हम किसी विक्टिम का कंप्यूटर एक्सेस करते हैं या किसी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है पासवर्ड्स की। आप विंडोज़ के यूज़र का पासवर्ड, जो विक्टिम का पासवर्ड है, उसका कैसे पता लगा है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बैकडोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे कल लिनक्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ मुझे नहीं पता इसके पासवर्ड क्या है। तो सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कल लिनक्स के थ्रू विंडोज़ के पासवर्ड हैक करने के लिए यहाँ पे उसकी DVD इंसर्ट करता हूँ। जब DVD इंसर्ट करने के बाद आपको इसको रिबूट करना है। अब आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, एंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंडोज़ की जो फाइल होती हैं, जो सिस्टम फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल सिस्टम 32 के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, जो रन टाइम पे जो स्टिकी की ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो ओपन होती है उसको हम रिप्लेस कर देंगे CMD से। उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर जाने के बाद सबको C ड्राइव ओपन करनी है। जब आप लिनक्स की DVD को किसी विंडोज़ के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको उसमें सी ड्राइव को उसमें बूट होते ही आपको ओपन करना पड़ेगा सी ड्राइव। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि विंडोज़ का पूरा फाइल सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इसमें टर्मिनल का यूज़ करना है। टर्मिनल में जाने के बाद सीडी, ये जो हार्ड डिस्क जो माउंट हुई है, ये हार्ड डिस्क माउंट हुई है CD \Media। यहाँ पे \ का मतलब होता है रूट। ये जो \ यहाँ पे दे रहे हैं इसका मतलब है रूट और मीडिया फोल्डर का नाम ls फोल्डर के अंदर देखने के लिए। यहाँ देखिए एक फोल्डर है 4808, ये जो है विंडोज़ की C ड्राइव है, CD फॉर। लिनक्स में एक और विशेषता है कि आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने 4 लिखा और आप टैब प्रेस कर लीजिए, टैब प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली जो पूरा नाम है फील हो गया। अब यहाँ पे ls फॉर डायरेक्ट लिसनिंग। अब देखिए C ड्राइव पूरी आ चुकी है यहाँ पे। अब लिनक्स में एक और विशेषता ये है कि लिनक्स एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है बिकॉज ये यूनिक्स में बना है मोस्टली। तो इसके अंदर कैपिटल ए और स्मॉल लेटर हैं, दोनों डिफरेंट है। तो जब भी आप कोई कमांड या कोई आप फाइल का नाम टाइप कर रहे हैं या फोल्डर का नाम टाइप कर रहे हैं तो हमेशा स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पे विंडोज़ कैपिटल में है पूरा, तो WI विंडोज़ कैपिटल सिस्टम 32 स्मॉल लेटर में। अब हमें दो फाइलें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सेट etc.exe, ये फाइल है स्टिकी की, ये फाइल है। मतलब जब हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जब 5 बार शिफ्ट प्रेस करते हैं तो स्टिकी की ओपन होती है, तो वो स्टिकी की फाइल का नाम है। फिर cmd.exe, वैसे आप cmd.exe के बारे में जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब setsc को रिप्लेस करना है cmd.exe से। cp मतलब कॉपी के लिए भी और रिप्लेस के लिए भी, cmd.exe स्पेस setsc.exe। अब देखिए ये यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, setsc रिप्लेस हो चुकी है cmd.exe से। अब मुझे इसको रिबूट करना है, रिबूट।
अब देखिए यहाँ पे मैं जब फाइव टाइम शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये देखना CMD ओपन हो गया और यहाँ क्या लिखा है, सेट एस लिखा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज़र के पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे नेट यूज़र बैकस्लैश, पहले मैं पास बैकस्लैश एड यूज़र का नाम लिख देता हूँ हैकर। ओके अब मैं इसको रिबूट करता हूँ, एक नया यूज़र एक और एड हो जाएगा जिसके थ्रू आप हैकिंग कर सकते हो। जैसे ये देखिए हैकर ऐड हो गया। अब इस यूज़र को वापस डिलीट भी कर सकते हो, नेट यूज़र हैक बैकलेस डिलीट एंड हैकर। देखिए जब इसको रिबूट करेंगे तो वापस से डिलीट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब रन टाइम पे रियल यूज़र के पासवर्ड को चेंज किया बिना भी उसमें हम एक यूज़र ऐड और डिलीट कर सकते हैं। यदि हमें डेटा चाहिए तो हम डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसके पासवर्ड को चेंज करता हूँ, नेट यूज़र बैकस्लैश नेट यूज़र विक्टिम, यूज़र का नाम VICTIM और पासवर्ड कर देता हूँ हैकर। अब देखिए पासवर्ड चेंज होता है, वापस से पासवर्ड को चेंज करना है, नेट यूज़र विक्टिम पासवर्ड इज वन। अगर देखिए वन पासवर्ड है। तो आज सेशन में मैंने आपको बताया कि विंडोज़ के पासवर्ड्स को काले लिनक्स के थ्रू हम कैसे हैक कर सकते हैं, और ये एक तरह से बैकडोर बन चुका है, एक तरह से बैकडोर बन चुका है। जब भी सिस्टम को आप एक्सेस करोगे तब आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, बिना कोई DVD के, बिना किसी हेल्प के डायरेक्टली आप सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।